चल रहा हूँ यार। शिट मैन,
3 बज गए, मेरी बैंड बजने वाली है। अरे तुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि तू लेट हो जाएगा। शिट, लगता है माँ उठ गई। तुम लोग निकलो, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ, ओके? इसकी तो हालत खराब होने वाली है। पुर आकाश। पुर आकाश? काश मैं इतना पुअर होता। चलो कॉफी पीते हैं। तुम्हें देर नहीं हो रही है? इट्स ओके, वंस इन अ वाइल चलता है। ओके। ये भैया दो कॉफी देना भैया। क्या हुआ? आई हेट दिस बाइक, बहुत थका देती है। कार होती तो ज्यादा कंफर्टेबल होता ना। मुझे तो ये बाइक बहुत कंफर्टेबल लगती है। कार में मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। टचिंग यू। होल्ड इट राइट देयर और आई वेट जस्ट। गो अहेड, आई एम वेटिंग। दो कॉफी और देना, 4 के पैसे दूंगा। हाँ हाँ। जान, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। मैं? क्यों? तुम्हारा डांस रिहर्सल्स में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी नया क्या हो रहा है डांस रिहर्सल में? मैं बोर हो चुका हूँ। बोर? जहान, तुमने तो अभी शुरू किया है। नवनीत वगैरह तो 10 सालों से कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी का चांस तो उन्हें अभी मिला है। तुमसे किसने कहा मुझे कोरियोग्राफर बनना है? मुझे तो बनना है। तुम्हें अमीर बनना है, आकाश की तरह। तुम्हें कैसे पता? जहान, आई लव यू। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है जब भी तुम आकाश के घर के सामने से गुजरते हो। हाँ, ये सच है कि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। I hate the way I'm living my life right now. I hate the fact कि जब भी मुझे कोई चीज खरीदने का मन करता था ना, अपनी खाली जेब देखकर मैं अपने मन को मार देता था। बिना सोचे समझे कोई भी चीज खरीद नहीं पाता था। And that thing scares me, Nikki. Nikki, I want to be rich. I want to be powerful. I want to have control over my life. ये सब तभी मुमकिन है जब तक मैं नाच गाना छोड़ ना दूं। जान, तुम्हें पेशेंस से काम लेना चाहिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। बुलशिट, हार्ड वर्क पेस। तुम्हें क्या लगता है ये अमीर लोग मेहनत करते हैं? क्या ये हमारी तरह मेहनत करते हैं? फिर भी इनके पास ढेर सारी दौलत होती है। It's all a scam. जान, सच कहूं, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कोई और लगने लगते हो। वो जहान नहीं जिसे मैं प्यार करती हूँ। Well, that's the honest truth. Take it or leave it. क्या ये हमारी तरह मेहनत करते हैं? फिर भी इनके पास ढेर सारी दौलत होती है। It's all a scam. जान, सच कहूं, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कोई और लगने लगते हो। वो जहां नहीं जिसे मैं प्यार करती हूँ। Well, that's the honest truth. Take it or leave it. मैं एक लूजर की तरह जीना नहीं चाहता। मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और इस सब में मैं कहाँ फिट होती हूँ? इस वक्त मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या आगे चल के क्या करने वाला हूँ। आई लाइक यू, दैट्स इट। पर इतना श्योर हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का रुख बदलूंगा जरूर, बाय हुक और बाय क्रूक। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। You don't care a damn about nobody or nothing, right? I'm sorry, पर हम अभी दोस्त हैं। दोस्त? क्या दोस्ती नाम है हमारे रिश्ते का? जान, मुझे नहीं लगता ये ख्याल इतना इंटरेस्टिंग है। You need to grow up. Anyways, मैं तुम्हें रोज रोज समझा नहीं सकती। Forget it. Bye. तुम देख लेना, एक दिन ये करके दिखाऊंगा, सब कुछ बदल दूंगा। और फिर क्या होगा? अगर वो जिंदगी इससे भी बुरी हुई तो? छोड़ो ये पागलपन जहान, वरना बहुत पछताओगे। चलिए जल्दी। फिर सर? दे रहा हूँ यार। एक और कॉफी दूँ क्या? नहीं चाहिए।
ये फुल बॉटल कहां से आई? हमारे पैसों की नहीं है। पैसे किसी के भी हो, लिवर तो अपना है, सड़ जाएगा एक दिन। मुझे तुमसे बात करनी है। I want to talk to you. Come sit here for a minute. Forget it, Dad. Time नहीं है मेरे पास। निकालना पड़ेगा। बाप हूँ तुम्हारा। मैं जानना चाहता हूँ कि कब बंद होगा तुम्हारा ये नाच गाना। जब कलेक्टर बन जाऊंगा ना तब। जल्दी मुझे पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। जॉब देता है? अपने बाप को जॉब देता है? हाँ हाँ। उठने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे। तकिया देता हूँ, सो जाना वहीं पर। काम धाम तो है नहीं, और अकड़ देखो। नाचता हूँ तो शाम को क्वार्टर आ जाती है, वो भी बंद कर दिया ना, सूखे रह जाओगे। पैसों की धमकी दे रहा? बहुत पैसा है मेरे पास, प्रोविडेंट फंड में जमा है। अच्छा, तो निकाल क्यों नहीं लेते? पैसे जमा है, होश में रहोगे तभी तो याद रहेगा कि मम्मी के ऑपरेशन में सब कुछ खर्च हो गया था। ये बात और है कि नाचना मुझे अच्छा लगता है, चांस मिलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर तुम्हारा ये नाच गाना बहुत दिन नहीं चलेगा, बोल देता हूँ। भाषण देना आता है बस। संभाल कर, किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं है। अरे प्लीज, मैंने तुम्हारे मामा को उसकी सिक्स वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट। बाबा, ये प्लेस मैंने पिछले साल खरीदी थी, जिन प्लेस की आप बात कर रहे हो ना, वो too comfortable for you? Sure, sir. At Andheri office? Okay, I'll be there at 2:00. Perfect. Bye, sir. Bye. Hey, Akash, hi. हाँ, बोल जान। यार, एक और शो मिला है परफॉर्म करने के लिए। सबको इन्फॉर्म कर देना। Hey, cool. और हाँ, निकी को भी इन्फॉर्म कर देना। Why can't you do that, यार? अरे समझा कर, पंगा है। तुम लोग कब सुधरोगे? अच्छा चल ठीक है यार, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं देता कि वो तेरे रहते हुए रेसल करेगी। और देख, मैं उसे बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। हाँ ठीक है, ओके बाय। मराठ, मेरा नाश्ता। या है।
छोटी छोटी आँखों में लाखों सपने जमाना, सपने जमाना, जिसको है खुद पे यकीन वो जीते जहाना, जीते जहाना। नाम तक नहीं जानती। अबे जहान, तूने देखा यार? She was all over you, man. क्या 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 देखा मैंने? हाँ क्या देखा? अबे देखना क्या? अबे खुल्लम खुल्ला तुझे लाइन दे रही थी। You guys disgust me. अबे कुछ भी बोल देता है यार। अभी भी उसने मेरी क्लास ली और तू यहाँ? तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, हॉट, वेरी हॉट। थैंक्स। फिर कभी मिलेंगे। बाय। अरे निकी, अरे निकी, अब क्या हुआ? शट अप। मैंने क्या किया यार? वो मेरा नाम तक नहीं जानती। हाँ, ब्लडी हेल। आकाश, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बाहर है। क्यों? मुझे प्लीज ड्रॉप कर दो, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। Hey, Nikki, why are you doing this? उसके लिए उल्टा पड़ेगा यार। Yeah, I don't want to talk to you. Okay, guys, chill. मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। Is it okay? Okay. अब चलें।
क्या? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हेलो। हाय, दिस इज सोनिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे अगर कुछ पाना होता है तो मैं उसे पा लेती। I have an offer for you. कैसा ऑफर? उससे क्या फर्क पड़ता है? The money is good. Real good. I'm not sure. Stop fooling yourself, Jahan. मैं जानती हूँ कि तुम थोड़े से ही वक्त में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो. And this is your chance. कल मुझे इसी नंबर पे फोन करना. And हाँ, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है. Okay? Bye. Hot pants. But... मैडम आ रही है. ठीक है. बात कर रही थी. 10,000 for 3 hours. नहीं, मेरा मतलब था what does one have to do? What can you do? I mean dance. What else? Oh, लेकिन डांस करने के लिए इतने सारे पैसे. Let me show you something. That'll make you rich. Can you take off your dress? Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Any problem? No problem. कई बार किया था हम लोगों ने. That's beautiful. I like experienced men. So, do we have a deal? मैं तुम्हें प्लेस और समय बता दूंगी. Sometime next week. It's a hen night for a friend. Okay, but पैसे की बात अभी तक हमने की नहीं. मैंने भी बताया ना. Oh, okay. Make it 15,000, but that's final. Take it or leave it. Okay, done. Dancers कितने होंगे? Two of us. Good. उसमें ज़्यादा variety मिलेगी. और एक बात, ऐसे shows में ध्यान रहे. दिखाने लायक कोई चीज़ हो, तो ही नुमाइश करना. वरना, you get my point? क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? पागल नहीं. अब धीरे-धीरे ये दुनिया मुझे समझ में आ रही है. और बड़ा आदमी बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. जब तक पकड़े नहीं जाओ ना, तब तक सब माफ है. देख जहान, तेरा दिमाग खराब हो गया है और उस चीज को तू जस्टिफाई कर रहा है. अरे जस्टिफाई कर रहा हूं क्योंकि ये जस्टिफाइड है.
वरना सोनिया जैसी स्टार को ये सब करने की क्या जरूरत है यार? वो सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रही है जहान, और औरतों के सामने नंगा हमको नाचना पड़ेगा। अरे जब उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो हम अपनी मोरालिटी का कीड़ा खामखा लेकर क्यों घूम रहे हैं यार? तू बिंदास रहे यार, पैसे कमा। हाँ तुझे क्यों चाहिए पैसे? तेरा बाप थोड़ी मेरे बाप जैसा बेवड़ा है। तुझे कौन सा घर चलाना है जहान? I'm sorry यार, देख मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था। तू खुद सोच। अच्छा तू खुद सोच, क्या पैसे के लिए कुछ भी करेंगे? अरे ऐसा कौन सा गंदा काम कर रहे हैं यार, किसी का खून थोड़ी ना कर रहे हैं। बस कुछ ही घंटों के लिए औरतों के सामने नाचना है बस, और पैसे लेके निकलना। हाँ वेल, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए। देख आकाश, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, चुपचाप रात में रिहर्सल करेंगे, शाम को शो करेंगे और पैसे लेके निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं बोल? नहीं यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अबे तेरी लग गई है ऐसा बोलना यार, चल हटा, तेरे से काम नहीं होगा, मैं किसी और से काम चला लूंगा। जहान तू नहीं मानेगा, अगर मैं इस शो के लिए हाँ नहीं करूंगा तू किसी और के साथ कर लेगा, लेकिन ये शो करेगा जरूर। 15,000 रुपए मिल रहे हैं एक रात के, मैं तो ये शो करूंगा जरूर। अरे तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे ले ले। क्या बोला? अच्छा चल छोड़, मैं तेरे साथ शो पे चलने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार, उसके बाद जो कुछ तू करेगा अकेला करेगा, मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा। चल अभी रिहर्सल करते हैं। That's called friendship, man. के पल कर मिले ना मिले, गुल खाही
और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार हम फाइनल कर देना कि ये सब ये सब क्या है? तुम लोग कुछ बताओगे क्या? These secret rehearsals, these funny costumes. Jahan, Jahan, मैं तुमसे बात कर रही हूँ. You tell me, Akash. अरे आज Jahan, it was his idea, यार. Hey, chuck it, man. हम कोई underworld deal थोड़ी ना कर रहे हैं, जो इस तरह घबरा रहे हैं. Akash और मैं एक strip show कर रहे हैं, एक hen night जो Sonia ने organize की है. What? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? How can you even think of such a thing? अगर 15,000 रुपए 3 घंटे नाचने के लिए मिले तो मैं ऐसा जरूर सोच सकता हूँ. 15,000? कोई भी तुम दोनों को 15,000 क्यों देगा एक स्ट्रिप्टीज करने के लिए? 15,000 एक बंदे के साथ है, तो के साथ 30,000. तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं. मैंने जरूरी नहीं समझा. तो ठीक है, मैं भी आऊंगी तुम लोगों के साथ. फिजूल की बातें करके हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं और आकाश ये शो करेंगे जरूर. Now can we close this chapter, please? What do you mean close this chapter? I love you, Jahan. और मेरा ये हक बनता है कि अगर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें समझाऊं. अगर तुम्हारे समझाने से मैं और मेरे बाबा किसी बड़े घर में शिफ्ट होते हैं तो मैं गलत काम करना छोड़ दूंगा, वरना बंद करो अपनी बकवास. वैसे भी सही रास्ते चलकर मैंने कौन से पैसे जमा लिए? पैसा सब कुछ नहीं होता जहान, मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ऐसा ही शो करने के लिए. तो क्या मैं भी? नहीं, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती. मैं करूंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आकाश, कभी सुना है ऐसा कंफ्यूज लॉजिक? कुछ बोलो इसे, समझाओ. वेल, मैं क्या बोल सकता हूँ? पता कि तुम क्या सोचती हो या आकाश क्या सोचता है. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो ये शो करूंगा जरूर. अगर तुम लोगों को फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ, देन फॉरगेट इट मैन. जान, कंट्रोल योरसेल्फ निकी. अब तुम समझी मैंने उसे हाँ क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं उसे हाँ नहीं करता तो किसी और के साथ कर लेता, लेकिन ये शो करता जरूर. तो तब मैंने यही अच्छा समझा, क्यों ना मैं उसके साथ चला जाऊं. Now God knows what will happen there. जान, इतना बदल कैसे गया? कुछ दिन पहले तक तो वो आई कांट से एनीथिंग. हो सकता है वो नहीं बदला, उसके हालात बदल गए. जब उसको सही या गलत की समझ आएगी तो वापस आ जाएगा. लेकिन अब के लिए अच्छा यही होगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें. How could he be so mean to me? I love him. I say all this because I care for him. वो बस अभी तैयार हो जाएगा. एक्चुअली हम लोग एक साथ कपड़े नहीं उतारते ना, इसलिए. अनलेस कि हम किसी तीसरी के साथ और ऐसा कुछ किए में काफी टाइम. आज का शो हिट हो जाने दो, फिर तुम्हें और कई मौके मिलेंगे.
रखे एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के लिए. थैंक्स बट वी लाइक अ डिल्डोस बेटर. योर चॉइस. मगर आज जो औरतें वहां होंगी उनमें से सम ऑफ द वुमेन कैन बी रियल वाइल्ड गिवन अ चांस. श्योर वी लव देम वाइल्ड एंड रोरिंग. हम उनको और भी पागल कर देंगे. डोंट यू वरी. बेस्ट ऑफ लक. कीप दिस एटीट्यूड. यही एटीट्यूड रहा तो आई विल टेक यू प्लेसेस. ब्लडी हेल. ये औरत तेरी वन वे टिकट टू हेल है. मैं अभी भी बोल रहा हूं वक्त है. चल निकल चल यहां से. अबे चुपचाप कपड़े पहन और जल्दी तैयार हो जा. चल कोई पंगा तो नहीं होगा? होगा भी तो क्या करें. सारे गेस्ट आ गए. कुछ नहीं हो सकता. अब साला हमने लाखों लोगों के सामने डांस किया लेकिन इन 20-30 लड़कियों के सामने डांस करने के नाम से मेरी लग रही है यार. कहीं हाथ तो नहीं लगाएंगी? अबे हाथ लगाएंगी तो तेरे को क्या करना है. तू चुपचाप अपने स्टेप्स करना. अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बचपन से ही शो कर रहा हो. देख मैं भी ये पहली बार कर रहा हूं ना इसलिए टेंशन में हूं. नेक्स्ट टाइम ना अपन स्मूथली करेंगे. व्हाट? तू दोबारा ऐसा शो करेगा? देख बॉस मैं पहले जाता हूं उन लोगों का मूड बनाता हूं. तू उसके बाद आ जाना. ओके अकेला मत छोड़ना मेरे को. हां ए ए अकेला मत छोड़ना मेरे को. हां चल मैं आऊंगा. पक्का? हां तू चल. Yeah.
want some more? Yeah! You want one more guy? Yeah! सबकी एक कर दी। तूने देखा? तूने उनकी आंखें देखी? कैसी देख रही थी? They could have raped us there and then, man, God. I'm raped anyways. Look at my scratches. They've scratched me all over those horny bitches. अच्छा हुआ मेरी को गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो मुझे उल्टा टांग देती। You saw? Didn't you see? वो औरतें कैसी पागल हो रही थी? I felt like God, man, God. वो औरतें रईस घरों से है यार, उनको जो चाहिए मिल सकता है, पर उनकी आंखें मेरे लिए भूखी थी, मेरे लिए। I was the boss and they were all under me, man, under me. Shut up, जहान, इन सब बातों को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं, चल निकले यहां से। Hey, you're talking to me, the star, the hottest guy in town. Hey, ये अपना एटीट्यूड ना अपने पास रख, चल निकले यहां से। चलो यार, यू गाइज वर सो गुड, एक्सलेंट। सभी लड़कियां तुम दोनों को मिलने के लिए बहुत तड़प रही हैं, लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट टाइम यू शुड ऑलवेज लेट देम कैक फॉर यू। थैंक्स, वरना हमको अपने टुकड़े उठाकर घर ले जाने पड़ते और घर वालों को बोलना पड़ता है कुछ भूखी रही औरतों ने हमें काट खाया। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, मगर सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत खराब। डोंट फॉरगेट, दीज वुमेन आर पेइंग फॉर योर फीस। मिस सोनिया, आप पैसों से शरीर खरीद सकती हैं, शख्स नहीं। कलेक्ट योर मनी ऑन योर वे आउट। और तुम्हें क्या लगता है, आई डोंट नोटिस यू गेटिंग अ हार्ड ऑन एवरी टाइम यू सी मी? So stop pretending. Anyways, buy hot pants. यार अपनी तो निकल पड़ी यार। चल, हाँ, good night. कल मिलते हैं. Bye. Yeah, bye. Yeah,
इस वक्त यहाँ? What happened? कहाँ? बात को मत डालो आकाश, पार्टी में क्या हुआ? Oh, it was a great hit. और उन सबको बहुत मजा आया. और शो खत्म होते हमको हमारे पैसे मिल गए यार. और निकी, जहान बहुत दूर निकल गया और उसका वापस लौट के आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है. क्या एक ही शो में? क्या क्या उसने, ऐसा क्या हुआ आकाश? I was there. वो शो, वो माहौल, हम लोग नौतों के बीच, we were like Greek gods. वो चिल्लाती हुई औरतें, हमारे हर मूव पे सीटियां, कैट कॉल्स, वो रॉक स्टार कैसे होते ना, हम बिल्कुल वैसे थे उनके बीच. Women extending their hands, हमें हर जगह छूने की कोशिश कर रही थी. It was crazy, Nikki. And I think, जहान ने इस पल भर के एक्साइटमेंट को हकीकत मान लिया. And I think he's addicted to it. पर ये सब क्यों हो रहा है? आकाश, हम लोग कितने खुश थे. Nikki, मैं जहान को बहुत पहले से जानता हूँ. उसे हमेशा से शॉर्टकट्स पसंद थे और मुझे लगता है कि उसे एक शॉर्टकट मिल गया. लेकिन मैं क्या करूं आकाश, मेरा क्या होगा? हेलो. हाय स्टार, दिस इज मोना. हम सोनिया की पार्टी में मिले थे. ओ हाय मोना, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक शो करो. करोगे ना? श्योर. तुझे मैंने अकेले आने को बोला था ना? ये तो वैसे भी यहीं आ रही थी यार, मैं तो सिर्फ अपने साथ लेके आया हूँ. अच्छा बोल, मुझे क्यों बुलाया? अच्छा सुन, एक और ऐसा शो मिला है, अपन रिहर्सल करेंगे एंड दिस टाइम इट शुड बी. यहाँ हम लोग दो घंटे में कमा लेंगे यार, कुछ तो सोच. जहान, पैसा सब कुछ नहीं होता. ए, स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? उस पर चिल्लाने से क्या फायदा यार, ये मेरा अपना फैसला है. अच्छा तो तेरे लग गई ये सब बोलना. खैर तुम लोग सड़ो यहीं पे, मैं तो ये शो करूंगा जरूर, क्योंकि वो औरतें इस शहर की मानी हुई सोशलाइट्स हैं. अगर उनको खुश कर दिया ना, तो उनसे काफी फायदा उठाया जा सकता है. जिस दिन एक ऐसी औरत मेरी जिंदगी में आ गई ना, मेरी तो लाइफ बन जाएगी. वन राइट वुमन एंड बूम, आई बी देयर, वॉच मी. जहान, इन सब चीजों से अच्छा है कि हम बॉम्बे ड्रीम्स की ऑडिशन की रिहर्सल करें यार. एटलीस्ट इफ वी गेट सिलेक्टेड, वी विल डेफिनेटली रीच समवेयर इन आवर लाइफ. और ये सब जो तू मुझे समझा रहा है ना, इतना आसान नहीं है. मैं उसे आसान बनाऊंगा. Because it was always simple. तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, लेकिन जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तब तुम ही लोग मेरे पीछे आओगे. तब ये कोई नहीं पूछेगा कि ये पैसे कहां से आए. That's how simple it is. अगर तुम लोगों को फिर भी लगता है मैं गलत हूं, तो भाड़ में जाओ यार. अलग है राहें, किसकी मंजिल दौलत
अलग है ख्वाहिशें सबकी, अलग अलग है राहें किसकी मंजिल, दौलत शोहरत किसकी मंजिल पसंद नहीं आया। शायद, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट तो दे सकती है। हर अच्छे परफॉर्मर को मालूम होता है उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है या नहीं। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ मीडियोकर्स ढूंढते हैं। चलो माना, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत तो किसी का दिल बहलाया या फिर मेरी कोशिश पूरी तरह नाकामयाब रही? मैं शो वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ। I like the real thing. I also love the real thing. बहुत कॉन्फिडेंट हो। अच्छा है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। उम्मीद है कॉन्फिडेंट होने का सिर्फ दिखावा नहीं करते हो। क्या इसका मतलब है हम दोबारा मिलेंगे? क्या तुमने मुझे इम्प्रेस किया? शायद। उम्मीद पर ही सब जीते। अरे अपने हाई स्कूल लड़ी बेब्स के बारे में किसे सुना ना? शट अप आकाश, मुझे नहीं सुनी ये सब बकवास। अरे बकवास का है? इट्स सो इंटरेस्टिंग, यू जान? वेरी ट्रू। इंटरेस्टिंग माय फुट। उनमें से तो आधी बेब्स के मुझे नाम तक नहीं पता। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट देयर फेवरेट पोजीशंस। शट अप जहान, नहीं तो मैं ये तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगी। कूल इट यार, मजाक कर रहे हैं। यू टेक एवरीथिंग सो सीरियसली। एक्सक्यूज मी, मुझे इस तरह की बातें फनी नहीं लगती। चिल बेब्स, वी जस्ट पुलिंग अ लेग। ओके जहान, आज से हम सिर्फ रिलीजियस बातें करेंगे। ओके ओके। तो स्वामी जी ने क्या कहा था? स्वामी जी ने कहा था बाली के। हेलो, पहचाना? जस्ट अ सेकंड, डोंट टेल मी। वही जो कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती, राइट? गुड, मिलना चाहोगे? तो आखिर आप इम्प्रेस हो ही गई? हाँ। तुम बातें बहुत करते हो, सुनने की आदत डालो। ओके ओके, सुन रहा हूँ, बोलिए। मीरा रोड कॉफी शॉप, आधे घंटे में। अभी? अभी तो मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ, कल मिलेंगे तो चलेगा? मैं इम्प्रेस थी, अब नहीं हूँ। होल्ड इट, होल्ड इट। गॉड, मुझे जाना होगा यार। क्या बकरा है यार तू, ऐसे कैसे जा सकता तू यहाँ से? कौन थी फोन पे? एक क्लाइंट थी, अर्जेंट है। सॉरी गाइस, सॉरी निकी, आई मेक अप फॉर सम अदर टाइम। शो, जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं। मुझे जाना होगा, बाय बाय। फॉरगेट इट मैन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस चाल में ये पूरी तरह फंस चुका है। ये हाई सोसाइटी बेब्स एक दिन इसकी जान लेके रहेंगी, होते तो यही सोच रही हूँ कि उसे कोई चोट ना पहुंचे।
आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? क्या पियोगे? जो आप ले रही हैं। जो मुझे चाहिए वो इस रेस्टोरेंट में सर्व नहीं होता। तो चलो फिर उस जगह चलते हैं जहाँ वो सर्व करते हैं। बहुत जल्दी में हो। अच्छी चीजें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो आपका नाम तक नहीं मालूम। शारन, और ये तुम्हारा आखिरी सवाल है, इसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना। Ask no questions and you get no lies. आप अपने बारे में इतनी श्योर कैसी हैं? फिर सवाल कर रहे हो। Anyway, इसे आखिरी सवाल मान लेते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, the rules. एक, तुम मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। जब भी हमें मिलना होगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। दो, जिस तरह तुम आज तक जीते आए हो उसी तरह जियोगे, लेकिन मेरे बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करोगे। तीन, हमारे इस रिश्ते का जो भी नाम हो, एक बात याद रखो, हम में से जब भी कोई इससे नाखुश हो तो बिना माफी मांगे इससे बाहर निकल सकता है। माफी की रस्म से मुझे सख्त। Is that fine by you? Well, मैं सोच रहा था कि हाँ या ना। Okay. Great. Let's get going. That's fine. As long as we benefit. Don't worry. I'll take care of everything. जाने ये क्या हो रहा है।
आपसे कुछ पूछना चाहता था। नहीं, ये आपके बारे में नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं ये स्ट्रिप चूज करूं तो? नहीं, इफ इट्स नॉट ओके विथ यू देन मैं छोड़ सकता हूं। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम अवेलेबल रहो, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती।
इसलिए मेरे लिए ज्यादा कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है, मेरी लगी पड़ी है यार। क्यों बे, अभी तो तूने अपनी हाई सोसाइटी लाइफ शुरू की है, अभी से तंग आ गया क्या? वो बात नहीं है यार, फोन पे नहीं समझा सकता, कब मिलता है बोल। अरे तू घर पे आ जाना, घर पे कोई नहीं है और नानी भी एक आध दिन के लिए आई हुई है, मुझे उनका ख्याल रखना है, तो तू इधर ही आ जा। चल ठीक है, तेरे घर पे मिलता हूँ, बाय। जलियांवाले बाग के बाद हम कुछ नहीं कर पाए। उस दिन उस कुएं में सिर्फ लोग नहीं मरे, देश की आत्मा डूब गई। आजा। लाला राजपूत राय ने बच्चों को इंग्लिश स्कूल से बाइकॉट करने को कहा। सही में यार, क्या घर है तेरा? चल छोड़ना यार, चल। अच्छा तू मुझे पहले ये बता, तेरी बैंड क्यों बजी हुई है? अरे क्या बताऊं यार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नानी आई हुई है, चल ऊपर मेरे कमरे में चलते। नमस्ते किया कि हाय किया? क्या आजकल के लड़के हैं, वाह। क्या हुआ, ऐसे आग क्यों लगी हुई है? मुझे कुछ हो गया है। एड्स हो गया क्या? मजाक मत कर यार, एक औरत मिली मुझे एक शो में, मेरा उसके साथ सीन बन गया। अभी तो टेंशन क्या है, देखने में कैसी? सुना नहीं तूने? औरत है औरत, शी मस्ट बी अराउंड 40। क्या क्या बोल रहा है यार? शी इज अ बॉम्ब, कुछ है उसमें। She's a live wire. अबे ये बकवास छोड़, tell me how she in bed? Wild? हाँ, जहाँ तेरी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से वो शुरू करती है। अभी तू टेंशन क्या है? ऐश करना। यार तू समझ नहीं रहा। She's hot and wild in bed, but very cold otherwise. काटने को दौड़ती है। ना नाम बताया, ना फोन नंबर, ना एड्रेस। जब भी मन करता है तो फोन करती है। वो भी बाहर से। बहुत पैसा है उसके पास, बहुत, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताती, कोई सेंटिमेंट ही नहीं है। और मैं, I'm madly attracted to a man. अभी ये तो परफेक्ट है ना तेरे लिए, तुझे क्या करना उसका एड्रेस पता करके, उसके पति को का थैंक यू कार्ड भेजेगा। यार तू समझ नहीं रहा, I'm always waiting for her, I crave for her. जब भी फोकट बैठा होता हूँ ना, उसी के फोन का इंतजार करता हूँ। She's left this maddening effect on me. Like no other woman ever has. Shucks. तू तो गया दोस्त, तेरी विकेट तो डाउन होती लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस औरत ने तुझे लपेट लिया है। She's only playing with you. And you're falling in love. Let me correct myself. You're already in love. Bullshit. अरे नहीं मानना तो मत मान यार। मेरे बाप का क्या चाहता है? अभी भी टाइम है, समझ जा, वरना कहीं का नहीं रहेगा। You finally met your match, Jahan. तू कुछ भी बोलता है, वो तो स्पेशल है। देख मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। अभी बजे हैं 12 और मुझे बहुत नींद आ रही है। तू यहाँ रह के घर जा रहा है, जो मर्जी कर यार। आकाश, क्या हुआ जान, क्या टाइम हुआ? 8 बज गए यार, उठना। 8 यार, इतनी सुबह तुम मेरे घर पे नौकर भी नहीं जागते, सो जा। आकाश बहुत भूख लगी है यार, रात से कुछ भी नहीं खाया, चलना अंडे बनाते हैं। हाँ तू महाराज को बोल देना, वो तुझे बना के दे देगा। नहीं यार मैं ही बना लेता हूँ, सुबह सुबह वैसे भी बापू के लिए बनाता हूँ ना, चलना उठना। अच्छा तो एक काम कर, सीढ़ियों से नीचे जा, राइट ले, डाइनिंग सेक्शन क्रॉस कर और लेफ्ट में किचन है। अरे ऐसे कैसे तेरे किचन में चला जाऊं यार, तू भी चलना। देख ना मैं मिर्ची काटूंगा, ना मैं प्याज काटूंगा, ना मैं टमाटर काटूंगा, पहले ही बोल देता हूँ।
अच्छा बाबा, सब मैं ही करूंगा तो एटलीस्ट चल तो। क्या यार, दोस्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ए आकाश, नाश्ता कर। अबे इतनी जल्दी बना लिया आदमी है क्या मशीन? क्या करूं, बाबा के लिए रोज तो नाश्ता बनाता हूँ, आदत सी हो गई है। इसमें बटर नहीं है यार। अरे यार बटर ऐसे ही खा लेना, तुम रईस लोगों की आदत इतनी बिगड़ी हुई है ना। बटर कहाँ है आकाश, बटर कहाँ है? वो वहां फ्रिज में है। बटर चाहिए, वो चाहिए, ये आकाश, चाहिए। आकाश ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम, इतना शोर क्यों मचा रखा है? Sorry, that's my friend Jahan. Hello. Hello. Happy anniversary, sweetheart. Happy anniversary. What? मैं तो भूल ही गया था। Mom, happy anniversary, mom. Happy anniversary, Dad. Thank you. Happy anniversary, Uncle. Happy anniversary to you too. Who's this guy? हम अजनबियों से विशेष नहीं लेते। Oh, I'm sorry, Dad. ये मेरा दोस्त जहान है। हम एक ही ग्रुप में डांस करते हैं, Dad. Oh, okay. Welcome. आओ. वो क्या है कि सुबह सुबह हमारी फैमिली थोड़ी डल सी रहती है। वी आर नॉट एग्जैक्टली अर्ली राइजर्स, यू नो। ऑमलेट, यू माइंड? नो नो, इट्स ओके। Yeah, it's good. Yeah. I can see, Jahan, that you're not as useless as my son. Kya, Dad, aap hi. Just kidding, yaar. Bhai, baitho. Kam se kam, aaj hum sab nashta sahi waqt par kare. Come on, come sit down. Pull a chair. साहब जी, आप इतनी सुबह, आपने बताया नहीं कोई फ्लाइट पकड़नी है का? अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप कहते तो फिर कहीं चले जाते। अरे नहीं साहब, मैं तो बस यू ही पूछ रहा था। जिनसे पूछना है उनसे तो आप पूछ नहीं रहे। मेहमान सामने बैठे हैं, उनसे पूछिए क्या लेंगे, चाय कॉफी? नो नो, आई एम फाइन। आकाश, वो क्या है, मैं निकलता हूँ। तेरी कोई टी शर्ट दे देना यार। हाँ, ऊपर कबर्ड से ले ले। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। श्योर, थैंक्स। सुनिए, कुछ और नाश्ता वाश्ता लाएंगे या फिर जी? मेहमान के बनाए हुए ऑमलेट से गुजारा करना पड़ेगा। क्यों नहीं साहब, मैं अभी लाता हूँ नाश्ता। ये सब रहने दीजिए, हमका का पता रहा कि आप इतनी सुबह उठ जाएंगे। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। स्क्रैम्बल्ड एग्स ऑन टोस्ट।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो कुछ भी हमारे बीच में है, था, हमारे बीच में था, वो खत्म हो गया है। Just forget about it. मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, और जहां तक हो सके मैं इस घर में तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती हूं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I don't give a damn. लेकिन बेहतर होगा हम सब के लिए अगर तुम इस बारे में कभी किसी से कोई बात ना करो, कभी नहीं। ध्यान हो गया कर तेरा, क्या कर रहा अंदर, मुझे भी तैयार होना है। अबे दरवाजा क्यों बंद किया है? अरे खोल ना दरवाजा, खोल ना जान। अबे पागल हो गया क्या? दरवाजा खोल, मुझे भी तैयार होना है। हाँ क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसे बिहेव कर रहा जैसे मैंने आज तक तुझे कभी नंगा नहीं देखा। दरवाजा क्यों बंद किया था? नहीं नहीं तू नहीं, कोई और आ जाता तो। अरे मेरे कमरे में कोई नहीं आता, पागल हो गया क्या? अच्छा हुआ तू नहा लिया, मैं अभी नहा लेता हूँ, फिर साथ में निकलते। रिहर्सल पे मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ यार, वहाँ निकी मेरा वेट कर रही होगी, और बॉम्बे ड्रीम्स के ऑडिशन पे हमने जो गलतियाँ की थी उसे वापस नहीं करना चाहता यार। लेकिन तेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था, तू पक्का सिलेक्ट हो जाएगा, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। नहीं नहीं आज रात को पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यार, इट्स माय एनिवर्सरी। यार थैंक्स, ओके आई सी यू टुमारो। जान भाई आज रात का खाना तुम हमारे साथ खाओगे, हमने एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया, और तुम हा? तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ला सकते हो। जी वी विल सेलिब्रेट। बट वो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखो अगर तुम ना बोलोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से उठवा लेंगे, सो कम। नहीं डैड वो आएगा, मैं लेके आऊंगा इसे। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ बोलिए साहब बोलिए। डैड पता नहीं आज कौन से मूड में, आज मैं ऑफिस है। नहीं तो स्मॉल डिनर एट होम, ये तो कई सालों बाद हो रहा है यार, और मेरे पास यही एक चांस है कि मैं निकी को मॉम एंड डैड से मिला सकता हूँ। हेलो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? मेरे पास यही एक चांस है, एंड निकी इज गोना लव इट। इससे पहले कि इनका मूड खराब हो जाए, चल निकले यहां से। यस अब हम कहाँ जाएं।
अब हम कहाँ जाएं।